हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम फ्रॉम गाड़ी जोश। तो आज हमारे पास आ रखी है फोर्ड की इको स्पोर्ट एक्सीडेंटल। आप देख सकते हो आगे से काफी ज्यादा हिट हुई है कार। इसका बम्पर फट चुका है, इसकी हेडलाइट टूट चुकी है और कंडेंसर तक बिल्कुल इसका डैमेज हो चुका है। मेरे को तो लगता है काफी ज्यादा तगड़े तरीके से हिट हुई है ये कार। बाकी को हम इसको एक बार डिसमेंटल करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से जो पार्ट है वो इसके डैमेज हो चुके हैं। और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये प्रोजेक्ट। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमने इस कार को कैसे तैयार किया है। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर के एयर बैग भी खुल चुके हैं। लेफ्ट साइड के सारे एयर बैग खुल गए। इसके डैशबोर्ड का जो एयर बैग है वो भी खुल गया है। इसका मतलब तो गाड़ी काफी तगड़ी हिट हुई है। ओहो, फ्यूज बॉक्स तो बिल्कुल डैमेज हो चुका है इसका। बैटरी के टर्मिनल जो हैं वो भी बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। प्लास्टिक के काफ़ी पार्ट थे वो भी इसके अंदर के डैमेज हो गए हैं। सेंसर तो इसके अंदर मेरे को लगता है ऊपर के तो एक भी सेंसर इसका सेफ नहीं बचा है, सारे के सारे टूट गए। काफ़ी तगड़े तरीके से कार जो हुई थी हिट हुई है। इससे पहले इसके इंजन को बाहर निकालना पड़ेगा तभी हम इसके अंदर काम कर पाएंगे, क्योंकि जो डैमेज चीज़ें हैं वो बाहर ही प्रॉपर तरीके से निकाल के वर्क की जा सकती हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है इस कार के अंदर। जो इसके सेंसर है वो भी डैमेज हो चुके हैं और जो काफ़ी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। तो इसके लिए हम इसके पूरे इंजन को बाहर निकालना पड़ेगा। इंजन का वर्क जो है वो हम बाहर करेंगे और बाकी का वर्क डेंट पेंट का इसके अंदर होगा। काफ़ी चैलेंजिंग है इस कार को तैयार करना, क्योंकि जो इको स्पोर्ट और या फोर्ड के जो भी पार्ट होते हैं वो मार्केट के अंदर काफ़ी मुश्किल है मिलने। इसके लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी इसके पार्टों के लिए, इसकी चीज़ों के लिए। फिर भी हम सारा अरेंजमेंट करेंगे। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये हमने जेन्युइन फोर्ड का कंडेंसर और फैन मंगाया है इसका। इसको हम फिट करते हैं फटाफट से। और हमने जितने भी इसके अंदर पार्ट यूज किए सारे ही सारे जेन्युइन पार्ट यूज किए। हमने एक भी लोकल पार्ट का कोई भी वर्क नहीं किया है, क्योंकि हम किसी भी लोकल पार्ट के अंदर डील नहीं करते हैं। हम सारे के सारे पार्ट ओरिजिनल डालते हैं कस्टमर से बात करके, जिसके लिए हम पहले उनसे सजेस्ट करते हैं, उनको सजेशन देते हैं कि आपको अगर अपनी गाड़ी के अंदर पार्ट डलवाने हैं तो ओरिजिनल ही डलवाओ। वैसे भी फोर्ड जैसी बड़ी गाड़ियों के अंदर ओरिजिनल ही पार्ट डलने चाहिए, क्योंकि लोकल पार्ट इन लोग गाड़ियों में काम नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से। फाइनली हमने इंजन इसके अंदर फिट कर दिया है। बस एक बार कार को स्टार्ट करना रह गया है। इसको स्टार्ट करने के लिए एक बार इसकी कोडिंग करनी पड़ रही है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल चीज़ें कुछ जो रह गई हैं, इसकी वायर कहीं से या फिर कोई सेंसर रह गया है या फिर कोई फ्यूज है उसको और चेक कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। उसके बाद ये गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ओहो फाइनली आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। काफी वक्त लगा इस गाड़ी को स्टार्ट करने में, बट एक एक चीज के हमने ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा, इसलिए ये कार प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी स्टार्ट है ही नहीं, बिल्कुल स्मूथ है एकदम। लाइट आ रही है पूरी ले। खाली पेंट का प्रोसीजर रह गया है। वो पेंट का प्रोसेस होने के बाद ये गाड़ी प्रॉपर तरीके से एकदम न्यू कंडीशन जैसी लगेगी। आप मेरी वीडियो पे देखते रहना इस कार को कि कितना प्यारा। फाइनली गाड़ी पूरी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लुक चेंज हो चुका है इसका। आगे से हमने इसकी पूरी जाली आगे वाली नई डाली है, पूरा बम्पर हमने चेंज किया है और बोनट हमने इसका पूरा चेंज किया है। लाइट चेंज करी है हमने, फॉग लैंप चेंज किया है। एक फॉग लैंप अभी लेफ्ट साइड की वो जल नहीं रही है, तो उसके ऊपर
और देख रहे हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है, कहीं पे कोई वायरिंग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि जिसकी वजह से फॉग लैंप नहीं जल रही है। फाइनली पूरी कंप्लीट हो चुकी है ये कार। फाइनली कंप्लीट हो चुकी है कार, बिल्कुल न्यू कार हो चुकी है, एकदम शोरूम कंडीशन जैसी कार हो चुकी है। कोई कह नहीं सकता कि इसकी कंडीशन इस तरीके की थी कि आगे से बिल्कुल डैमेज थी। आप इस कार की कंडीशन देख सकते हो, बिल्कुल एकदम न्यू हो रखी है। आगे की जाली और बम्पर सारी चीज़ें बिल्कुल नई जैसी हो चुकी है, पूरी कार एकदम शोरूम कंडीशन जैसी चमक रही है। फाइनली पूरी कार कंप्लीट हो चुकी है। एक एक चीज़ को हमने बारीकी से इसके अंदर देखा और काफ़ी कम बजट में हमने इस गाड़ी के अंदर काम किया है। कम से कम बजट के अंदर अगर आप इसी कार को फोर्ड के अंदर काम कराते तो मेरे हिसाब से भी ना 3 से 3.5-4 लाख रुपए तक का आपका कम से कम बजट बैठता, जो हमारे यहाँ पे कम से कम प्राइस के अंदर हुआ है। एक एक चीज़ को हमने प्रॉपर तरीके से फिट किया। आप मेरी ऐसी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करते रहे ताकि मैं आपको ऐसी वीडियोज दिखाता रहूँ नए नए प्रोजेक्ट के साथ।